जी हाँ दोस्तों, बड़ी खबर आ रही है। आपको बता दें, शादी का न्योता देकर अपने बारात में नहीं ले गया दूल्हा तो दोस्त ने भेज दिया 50 लाख रुपए का नोटिस, क्या मानहानि का केस। दोस्तों आपको बता दें, किसी दोस्त की शादी हो लेकिन हमें न्योता ना मिले तो बहुत दुख होता है, और जब दोस्त शादी के बाद मिलता है तो पूरी भड़ास निकाल देते हैं। लेकिन एक शख्स ने बारात में नहीं जाने पर ऐसी भड़ास निकाली कि सुनकर आप भी पूरी तरह दंग रह जाएंगे। जी हाँ, युवक ने बारात में नहीं जाने पर कोर्ट जहाँ पहुँचा और दूल्हा दोस्त के खिलाफ मानहानि का केस दर्ज कर दिया। दोस्तों मिली जानकारी के अनुसार, हरिद्वार के बहादुराबाद निवासी रवि नामक युवक ने अपनी शादी में चंद्रशेखर को विवाह का न्योता दिया था और बारात में शामिल होने को कहा था, लेकिन बारात वाले दिन ऐसी स्थिति बनी कि बारात पहले ही निकल गई। वहीं चंद्रशेखर बन ठन कर बारात जाने पहुँचा तो देखते हैं कि बारात तो जा पहुँची है और घर पर कोई भी नहीं है। दोस्तों इस बात को चंद्रशेखर ने अपना अपमान समझा और वे इस कदर मानसिक तनाव में आ गया कि आत्महत्या करने की सोचने लगा और दूल्हे पर मानसिक रूप से प्रताड़ित करने का आरोप लगाते हुए 50 लाख रुपए के मानहानि का कानूनी नोटिस भेज दिया है। दोस्तों चंद्रशेखर के वकील के अनुसार, चंद्रशेखर जब अपने दोस्त रवि को फ़ोन किया तो उसने कहा कि वे बारात लेकर निकल गया है और आप लोगों को अब बारात में आने की कोई ज़रूरत नहीं है, आप लोग अपने घर जाओ। वकील भदौरिया का कहना है कि चंद्रशेखर बहुत ज़्यादा मानसिक तनाव में आ गया था और वह इस अपमान को सहन नहीं कर पा रहा था। उन्होंने बताया कि इस अपमान को लेकर न्याय दिलाने का भरोसा देकर उन्होंने चंद्रशेखर को आत्महत्या करने से रोका। दोस्तों चंद्रशेखर ने अपने दोस्त दूल्हे को फ़ोन करके मानहानि के नोटिस की बात बताई है। इसके बाद भी उसने दोस्त को गंभीरता से नहीं लिया और उसने दूल्हे को 50 लाख रुपये के मानहानि का कानूनी नोटिस भेजते हुए 3 दिन में सार्वजनिक रूप से माफ़ी नहीं मांगने पर कानूनी कार्रवाई करने की चेतावनी दे डाली है। बड़ी अपडेट आ रही है। आपको बता दें, देश में कोरोना के मामलों में फिर से तेजी आने से चिंता बढ़ने लगी है। इसी बीच कोरोना के लिए अच्छी खबर भी नहीं है। सरकार के पैनल से 7 से 11 साल के बच्चों के लिए कोरोना वैक्सीन को मंजूरी दे दी गई। दोस्तों अगले कुछ दिनों इस आयु वर्ग के बच्चों को ही वैक्सीन लगनी शुरू हो जाएगी, जिससे महामारी से निपटने में काफ़ी मदद मिलेगी। ड्रग कुलेटर जनरल ऑफ इंडिया एक्सपर्ट पैनल शुक्रवार को सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया के कोवैक्सीन अपनी मंजूरी दे दी गई। अब DCIG और इस सिफारिश समीक्षा करेंगे। इनकी मंजूरी के बाद 7 से 11 साल के बच्चों को वैक्सीन लगाई जा सकेगी। कंपनी को ये मंजूरी वैक्सीन के इस इमरजेंसी यूज के लिए दे दी गई है। दोस्तों देशभर के अस्पतालों के जरिए इस वैक्सीन को बच्चों को लगाया जाएगा। आपकी क्या राय इन दोनों खबरों को जानकर आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में दें। आपको वीडियो अच्छे लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर करें। मिलते हैं दोस्तों।